इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू सीरीज़ के क्रम को जारी रखते हुए अगला जो टॉपिक है वो है ड्यूटी साइकिल ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओपन और क्लोज का जो सीक्वेंस होता है वो एक साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसा नहीं कि कभी भी उसको ऑन कर लिया, कभी भी उसको ऑफ कर लिया। तो उससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ड्यूटी साइकिल ऑफ अ सर्किट ब्रेकर मीन? अब देखिए, सर्किट ब्रेकर का जो ड्यूटी साइकिल है उसका मतलब क्या है? देखिए, जो सर्किट ब्रेकर का काम होता है ऑपरेट करने का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक रिले क्या करती है, कमांड देती है सर्किट ब्रेकर को। ओके, उसके बाद वो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है, या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। और उसके बाद अगर सब कुछ सही होता है तो वो क्या करता है, हेल्दी रहता है, और अगर कोई अबनॉर्मल कंडीशन है तो वो ट्रिप हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल हमेशा देखिए आप नेम प्लेट पे लिखा होगा सर्किट ब्रेकर की, तो इसका मतलब है कि या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, फिर ओपन होगा। सर्किट ब्रेकर के इसी बिहेवियर को बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। और मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँगी जो इसका ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है, वो कहता है कि पहले सर्किट ब्रेकर क्या होता है, रिले से सिग्नल रिसीव करता है, उसके बाद जो मसल ऑफ द ब्रेकर है मतलब या तो ऑन या ऑफ वाला एक्टिवेट करता है, उसके बाद आर को एक्सटिंग्विश करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर होते हैं, उन सब में आर को एक्सटिंग्विश करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सर्किट ब्रेकर को एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर्स को यूज़ करते हैं। और उसके बाद वो आर को क्वेंच करके वो जब अपने स्टेडी स्टेट पोजिशन में आ जाता है तो वो एक कम्प्लीट साइकिल माना जाता है कि ये साइकिल कम्प्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द साइकिल ऑफ अ सर्किट ब्रेकर? देखिए, ये डिपेंड करता है लो वोल्टेज है या फिर मीडियम वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर्स हैं। तो अगर मैं लो वोल्टेज की बात करूँ तो इसमें तीन तीन तक साइकिल्स होते हैं इसके। ये है लो वोल्टेज जिसमें तीन साइकिल्स होते हैं, फिर मीडियम वोल्टेज जो कि हमारे 3 से 5 साइकिल होते हैं, और हाई वोल्टेज में भी 5 साइकिल के अप्रॉक्स होता है, 4 या 5 साइकिल। तो अगला क्वेश्चन है, वाई सर्किट ब्रेकर रिक्वायर्ड ड्यूटी साइकिल? अब देखिए, सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट पे जो ड्यूटी साइकिल लिखी होती है उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि अगर सर्किट ब्रेकर एक कोई भी साइकिल का एग्जांपल लेते हैं हम, ये हुई हमारा क्लोज, फिर ओपन हुआ, फिर 15 सेकेंड्स का गैप हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर क्लोज हुआ लेकिन किसी फॉल्ट के कारण से फिर से ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ये डिले नहीं देता हूँ अगर, तो क्या होगा, तुरंत क्लोज होगा, ठीक है। या फिर अगर ये ऑटो की कंडीशन है तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए मैं इसमें टाइमर नहीं देता हूँ। अब ये ACB की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे आर कभी क्वेंच भी नहीं हुई है लेकिन फिर से सर्किट ब्रेकर क्लोज हो गया है कि नहीं? तो उस कंडीशन में आपका ब्लास्ट हो सकता है, फॉल्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ही हार्मफुल एक कंडीशन है। अगर ड्यूटी साइकिल मेरी काम कर रही है, नॉर्मल कंडीशन हुई कि क्लोज हुआ फिर ओपन हुआ किसी फॉल्ट की कंडीशन में फिर गैप हुआ, तो इतनी देर में ये ब्रेकर क्या करता है, अपने आप को नॉर्मल कर लेता है, आर्क क्वेंच करके अपना इंसुलेशन लेवल अचीव कर लेता है, उसके बाद ये सर्किट ब्रेकर फिर क्लोज ओपन होता है। ओके, तो इसलिए ड्यूटी साइकिल इंपॉर्टेंट होती है टू सेव द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट एंड द ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टर्म्स यूज इन ड्यूटी साइकिल। अब देखिए, ये तीन ऑपरेटेड सीक्वेंस को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, एक है स्लो, एक है फास्ट और उसके बाद है फास्ट टू। पहला स्लो में है, पहले ब्रेकर ओपन हुआ, फिर ये 3 मिनट का गैप हुआ, उसके बाद क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ किसी फॉल्ट की वजह से, और उसके बाद फिर 3 मिनट का गैप हुआ, और उसके बाद क्लोज हुआ और फिर ओपन हुआ। ये जो है ना मैकेनिज्म, इसमें ब्रेकर की बहुत ही हेल्दी कंडीशन रहेगी क्योंकि गैप जो है बहुत ही ज़्यादा है, इसमें 3-3 मिनट का गैप है इसके क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम में। नेक्स्ट है फास्ट, अगर हम देखें तो पहले ब्रेकर ओपन हुआ, फिर 0.3 सेकेंड्स का मतलब कि 300 मिली सेकेंड्स का इसमें गैप है। ओके, उसके बाद क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर 3 मिनट का गैप हुआ। अब देखिए, यहाँ पे 0.3 सेकेंड का गैप और यहाँ पे 3 मिनट का गैप है। ये इसलिए क्योंकि पहली बार जो इसका इंसुलेशन है वो पूरा अचीव हो तो जाएगा लेकिन अभी ब्रेकर की कंडीशन नॉर्मल नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे अगर फिर से ओपन होता है यहाँ पे ब्रेकर तो फिर हम 3 मिनट का गैप दे के चलते हैं इसमें, और उसके बाद क्लोज हुआ है फिर ओपन हुआ है।
नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ फिर 0.3 सेकेंड्स का गैप लिया, उसके बाद फिर क्लोज़ हुआ, फिर ओपन हुआ फॉल्ट की कंडीशन में, और फिर जो है 15 सेकेंड्स का है, फिर क्लोज़ है, फिर ओपन है। यहाँ पे जो है ब्रेकर का इंसुलेशन लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट ऑपरेशन हो रहा है काफ़ी। ओके, तो ये जो टर्म्स होते हैं वो यूज़ होते हैं ड्यूटी साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल ऑफ सर्किट ब्रेकर। देखिए ये एक ड्यूटी साइकिल है वीसीबी का, आप वीसीबी की नेम प्लेट पे देखेंगे तो इस टाइप से ड्यूटी साइकिल लिखा होगा। इस केस में क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या है, ब्रेकर ओपन हुआ, ओपन हुआ 0.3 सेकेंड्स का गैप लिया जैसे पहले था, उसके बाद फिर ब्रेकर हुआ क्लोज़, बट कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आ गई जिसकी वजह से फिर से ब्रेकर को ओपन होना पड़ा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आर्क क्वेंच तो हो गई, लेकिन अभी ब्रेकर जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है जैसा कि पहले था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई फॉल्ट आया, फिर ब्रेकर जो है ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसको 3 मिनट चाहिए गैप, 3 मिनट गैप इसलिए चाहिए ताकि इसका इंसुलेशन लेवल अचीव हो, प्लस वो उस वोल्टेज को वापस बियर कर सके जो इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज है। ऑब्वियस है, जब इंसुलेशन अच्छा होगा तो फिर वो वोल्टेज लेवल भी अचीव कर लेगा और उसके बाद फिर क्लोज़ होगा। लेकिन अब देखिए, ये एक ऑपरेशन ये हुआ, दूसरा ऑपरेशन ओपन वाला है, मतलब कि इस इन दोनों के बीच में कोई भी टाइम नहीं होगा। ओके, इतना जो टाइम है ये मिली सेकेंड्स में होंगे सारे के सारे, उसके बाद 3 मिनट का गैप, फिर मिली सेकेंड्स में। तो ये उसको बोलते हैं प्रॉपर ड्यूटी साइकिल ऑफ द ब्रेकर। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा।